मैं हूं शरद मल्होत्रा, आपका अपना पक्षी जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमर राय, और आप देख रहे हैं टेलीबाइट्स। Hi, I'm Sulagna and you're watching me on टेलीबाइट्स। डेफिनेटली यार, आई थिंक 50 एपिसोड्स आज के टाइम पे मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि 50 एपिसोड्स पूरे हुए हैं, और 50 एपिसोड्स मतलब एक अचीवमेंट होती है किसी भी शो के लिए, किसी भी प्रोड्यूसर के लिए, किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी टीम के लिए। तो जब पूरी टीम मिलती है और जुड़ती है और कोशिश करते हैं कि हम अच्छा काम करें, बहुत मेहनत करते हैं, तो धीरे धीरे जो है एपिसोड्स पूरे होते हैं, एपिसोड्स अच्छे दिखने लग जाते हैं। अभी मुझे लोगों का फीडबैक आ रहा है कि लोगों को अच्छे लग रहे हैं एपिसोड्स, लोगों ने जुड़ना स्टार्ट किया है। धीरे धीरे जो है सब लोग आ रहे हैं, एक पूरी मतलब पूरी फैमिली बन रही है। सो अच्छा लग रहा है यार, डेफिनेटली इट फील्स वेरी स्पेशल। और आप लोग सब आए हैं, आई थिंक मीडिया पूरा परिवार मेरा हमेशा जब मुझे मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, और उम्मीद है कि 50 पे आए हैं, 100 पे भी आप लोग बहुत जल्दी आइएगा, तो बस फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स यार। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, मेरी अभी जॉज हर्ट करने वाले हैं स्माइल कर करके सुबह से। वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड, और जैसा कि मैं कह रही थी, जब शो लॉन्च होता है तो नर्वसनेस ज़्यादा होती है, डर ज़्यादा होता है कि ऑडियंस को पसंद आएगा शो, नहीं आएगा, किरदार पसंद आएगा कि नहीं। बट अब 50 एपिसोड्स पे यू आर एट दिस कम्फर्टेबल स्वीट स्पॉट, जहाँ पे सबसे दोस्ती यारी हो चुकी है, पूरी टीम में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है, तो हम सब बहुत खुश हैं कि हम सब मिलकर आज 50 एपिसोड सेलिब्रेट करेंगे। देखिए ऐसा है कि अगर हम सोचें कि हिट जाएगा या फ्लॉप जाएगा, ये तो मैं नॉर्मली सोच के शो साइन नहीं करता हूँ। कोशिश करते हैं कि शो अच्छा ही चले और शो लोगों को पसंद आए और लोग शो को देखें और लोग शो को चाहें और लोगों का प्यार मिले। हिट फ्लॉप हमारे हाथ में नहीं है, वो तो ऑब्वियसली अब अलग ही पूरा एक डिस्कशन उस पर हम कभी और करेंगे। बट टीआरपी गेम्स और हिट और फ्लॉप बहुत अलग चीज़ें हैं, बट लोगों का प्यार जो मैं कह रहा हूँ वो हमें बहुत मिल रहा है। और जो लोग जिन्होंने नहीं भी जो नहीं भी देख रहे थे, मुझे लोगों के मैसेज आते हैं, आज हमने पहला एपिसोड देखा, अच्छा लगा, यू नो, सो दैट इज़ वेरी इंकरेजिंग कि पहला एपिसोड देखा तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे शोज़ जो हैं, मैं मानता हूँ टीवी में अक्सर नहीं बनते हैं, ऐसे शोज़ जो हैं अक्सर टीवी में नहीं बनते हैं, क्योंकि बड़ा शो है, एक्सपेंसिव शो है, प्रोडक्शन वैल्यू होती है, कास्ट होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, बहुत बड़ी मैनेजमेंट होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे जो मेकर हैं हमारे, ये हमारे कर्ता धर्ता हैं, एंड एवरीवन हैज द सेम क्वेश्चन दैट 50 एपिसोड हो गए, तो मैंने कहा ऐसा लग रहा है मेरे लिए तो कल ही था, आपके लिए कल नहीं था। मेरे लिए कल नहीं, नहीं मेरे लिए 5 साल हैं, लेकिन लग रहा है कल ही शुरू हुआ है जैसे। नहीं इट्स ओके, सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द ग्रेट कास्ट वी हैव एंड दे ऑल डूइंग अ वंडरफुल जॉब, सो बाकी तो अच्छा ही है, सब अच्छा है। बट मैंने वही कहा, मैंने कहा कि कुछ शोज होते हैं वो टीआरपी गेम से बहुत परे होते हैं, कि हमें लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, लाइक आई वांट टेल, आई जस्ट आई वाज शेयरिंग विद देम कि मुझे कितने लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आज हमने पहला एपिसोड देखा, तो लोग जुड़ रहे हैं। यू नो, कई ऐसे शोज होते हैं जिनसे अचानक लोग जुड़ जाते हैं, और कई होते हैं जो धीरे धीरे जो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक हमारा एक ऐसा शो है जो एवरी डे यू हैव समबडी जॉइनिंग एंड कनेक्टिंग एंड द फैमिली इज गेटिंग बिगर। ऑफ कोर्स इट इज, सो आई एम डेफिनेटली, या एंड ट्रेंड इज वेरी गुड, एंड एज वी गेट इनटू द लव स्टोरी जोन इट्स पिकिंग अप रियली वेल, सो यस आई थिंक, एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर टू डू अ शो ऑन पक्षी जगबंधु, स्पेशली आई मीन he's gone unsung in history, but so I'm very happy sure. Yeah, and I'm very happy that when we have Sharad playing the lead, and it's really great. I think it's totally a team effort again, so great. फ़नी मोमेंट्स तो है बहुत सारे, बट एक इंसिडेंट जो बार बार मुझे याद आता है वो ये है कि एक बार हम एक सीन कर रहे थे जिसमें मुझे हेमल यानी कि जो कल्याणी का किरदार प्ले करी है, और चैत्राली जो सुवर्णा का किरदार प्ले करी है, हम तीनों को एक सोफे में बैठना था। तो मैं पहले एक एक करके सबको बिठाती हूँ, और फिर जब मैं फाइनली बैठती हूँ तो सोफा धड़ से टूट जाता है। सो आई थिंक दैट वॉज अ वेरी फनी मोमेंट, फ़नी बिकॉज किसी को चोट नहीं लगी, और सोफ़ा टूटा, हम गिरे, पूरे सेट पर सब हंसे, तो मज़ा आया। Thank you.
देखिए मैंने ऐसा सीखा है कि पहली बात तो लाइफ जो है वो इजी नहीं है, लाइफ में संघर्ष है, लाइफ में खुशियां हैं, लाइफ में उतार चढ़ाव चलते हैं, लेकिन ज़िंदगी जो है वो हर पल जीना उसी का नाम है। जगबंधु जो हैं, बख्शी जगबंधु एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने, मैं हमेशा कहता हूँ कि उनकी लाइफ इजी नहीं थी, लेकिन उन्होंने डट कर वो लगे रहे अपने 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 जो उनका जो जीवन का उद्देश्य था वो उसे प्राप्त करने के लिए, उसे अचीव करने के लिए हमेशा लगे रहे। उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी चाहे उनकी जो वॉरियर लाइफ थी, दोनों को कहीं ना कहीं वो अच्छी तरह खूबसूरती से उन्होंने बैलेंस किया। उनके जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे हम सीखें कि जीवन में चाहे जैसा भी विद्रोह हो, जब भी आपको कोई कठिन आपका समय चल रहा हो, हम सबके लाइफ में होता है, आपको हार नहीं माननी चाहिए, आगे बढ़ते रहिए। और ज़रूर मैं कह रहा हूँ आपसे, बार बार कहता हूँ मैं, ज़रूर आप विजयी होंगे। अगर बुरा समय है, या बुरा समय तो नहीं कहना चाहिए, अगर काले घने बादल छाए हुए हैं, लेकिन उसके बाद सवेरा ज़रूर होगा, सूरज की किरणें फिर से निकलेंगी और फिर से जो है आपका जीवन जो है प्रकाशित हो जाएगा, आप फिर से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। बट डू नॉट गिव अप, मैं हमेशा कहता हूँ जितने भी लोग मुझे मिलते हैं, डू नॉट गिव अप इन लाइफ, लाइफ में उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे, लेकिन नेवर गिव अप एंड कीप बिलीविंग कि लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहता हूँ कि ग्रैटिट्यूड का मतलब समझते हैं आप, राइट? इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू से थैंक यू। मैं हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ, मेरी जो मीडिया फैमिली है, मेरे जो फैंस हैं, इतना प्यार मुझे आप लोगों से मिलता है और इतने सालों में इतना प्यार मिला है, तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार देते हैं, तो बस इसी तरह आप लोग प्यार देते रहिए। 50 एपिसोड मैं आज के टाइम पे मैं मानता हूँ कि बड़ी बात है, तो हाँ 50 हैं, बहुत जल्दी जब 100 होंगे तब आप लोग से फिर से मुलाकात होगी। ऑडियंस को बस यही कहना चाहूँगी कि जितना प्यार आपने हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आप इससे भी ज़्यादा प्यार हमें देते रहे, क्योंकि हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।